सविता पंपवाला। यस सर। मेरे लिए कॉफी। जी। कॉफी लाओ। यस सर। जल्दी। यस सर। कॉफी सर। सिर्फ एक कप? वो सर तुम्हारी कॉफी कहाँ है? नहीं बनाई। तो जाओ जल्दी से अपने लिए कप कॉफी बना के लाओ। यस सर। माय गॉड पॉइजन। अरे बॉस क्या हो गया बॉस को? अरे देखो इन्हें किसी ने जहर दे के मार दिया है। ये तो पुलिस केस है। पुलिस केस। अब क्या करें? जल्दी बोलो ना, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। मैं तो कह रही हूँ हम लोग यहाँ से सब भाग जाएं। कैसी बात कर रहे हो? अगर भाग जाएंगे तो हम बच्चा कहाँ जाएगा? अगर ये मुर्दा सुन लेगा ना तो फिर से दंड कटेगा। नहीं, एक काम करते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं और जहर के सबूत और सारे निशान मिटा देते हैं। चलो चलो चलो, 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 चलो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर का कहना है कि कुर्सी से गिर जाने के बाद सर में चोट लगी थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा। मगर लेकिन क्या? मगर मगर भी मेरी कॉफी में ये झिंगुर मारने वाला जहर पाया गया। कंपनी वाले का मुझे किसने झिंगुर समझा था? नो सर, नो। नहीं नहीं, इससे साफ जाहिर है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। नो सर, इस वक्त यहाँ डब्बा नहीं है, वरना तुम्हें जान से मारने का दंड भरना चाहिए था। अच्छा हुआ डब्बा नहीं है। चलो, मैं दंड नहीं लूंगा, मैं पुलिस को फोन करूंगा। मुझे पुलिस को फोन करना है। फोन किधर? हेलो, रिंगिंग लग रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या मतलब? फोन नहीं करना। अब जो हम सोच रहे हो तुम कभी नहीं समझ सकोगे। तुम जो सोच रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है, मगर जो दिखाई दे रहा है वो करना मत, बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब तुम्हारे साथ होगा, और ये ख्वाब नहीं हकीकत है। पंची हंस गया। लटका दो, लटका दो। अच्छा नहीं है, अगर मैं छूट गया तो तुम लोगों से फिर से वसूल करूंगा दंड, और तुम लोगों को भिजवा दूंगा अंडमान निकोबार। अरे चुप करो और इस पर दस्तखत करो। चलो चलो चलो। क्या इसमें? क्या लिखा इसमें? कुछ नहीं, आप एक महीने के लिए छुट्टी पर गए हो और आपके गए रेजिरे में ऑफिस का सब कामकाज हम लोग संभाल रहे हैं। नामुमकिन, 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 नामुमकिन। तो फिर नामुमकिन हो दंड मास्टर। अच्छा अच्छा, ला ला करता हूँ। कहाँ से करना है? या 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 क्या क्या, जल्दी करो। अरे साइन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा हम निकलते हैं। और मैं लटके रहो दंड वसूल कर। ये बेईमानी है। अरे मुझे चलो मुझे चलो। अरे सबक तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी डंड। हट! तुमने क्या सोचा था कि मैं सारी जिंदगी लौट कर नहीं आऊंगा? रुपा! मैं
अकेला नहीं आया। कौन है? मेरे साथ पुलिस भी आई। इंस्पेक्टर। यस सर। गिरफ्तार कर लो लोगों को। हवलदार, वो लोग समझते मेरी बात को। गिरफ्तार कर लो लोगों को। पकड़ो इन्हें। नहीं सर। डरो। डैडी, डैडी, आप? हूँ तो मैं तेरा बाप, लेकिन तुझे बेटा कहते मुझे शर्म महसूस होती है। तेरे तमाम काले करतूतों की रिपोर्ट मुझे मिलती रही है। मैंने क्या काले करतूत किए हैं? कौन से काले करतूत किए हैं? तूने आज तक इनकी मेहनत का मुआवजा क्यों नहीं दिया इनको? इन्हें बोनस क्यों नहीं दिया? उल्टा ये क्या वसूल करता रहा तुम लोगों से? डंड भी बोलता है। अरे तेरी जगह इन लोगों ने ऑफिस संभाला, ऑफिस को करोड़ों का फायदा करके दिया, इसलिए आज के बाद तू डंड भरेगा। सीधी आवाज बोल। मैं? हाँ, तू। इनका सारा पैसा इन्हें लौटा, सूद समेत इनका बोनस इन्हें लौटा, वरना इनकी जगह मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, याद रखना। फिर मुझे माफ कर देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करूंगा। आज के बाद तू इस ऑफिस में नहीं रहेगा, बल्कि आज तू अंडमान निकोबार जाएगा। काला पानी। फालतू कोशिश मत करना। क्या हुआ? पानी? आवाज छूटने वाला नहीं है, अंडमान जाके छूटेगा शायद। तुम्हें कैसे? नहीं, चल बनकर। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बेवकूफ की हिमाकत पर आपसे शर्मिंदा हूँ, और मैं इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ, और आज के बाद इस कंपनी में तुम लोग नौकर नहीं हो बल्कि बराबर के हिस्सेदार हो। क्या बात है, ये ऐलान सुनने के बाद तुम लोग खुश नहीं हुए क्या? क्या है कि अगर छोटे मालिक फिर से लौट आए तो पहले तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? छोटे मालिक की दुआ से। नहीं नहीं, वो लौट के नहीं आएगा। इसे मैं काला पानी में इसी जगह भिजवा दूंगा कि वही जन्म में तो कम से कम लौट के नहीं आएगा। नहीं नहीं, बस बस बस, खुश ना? माँ, कैसी है तू बेटी? अच्छी हूँ। और विजय? वो भी अच्छे हैं, मगर ये क्या माँ, ना कोई खत ना खबर, अचानक चले आए। बेटे, मुझे दिल्ली में सरकारी काम है, इसलिए आना पड़ा, और वैसे तुम्हारी माँ का मन तुम्हें देखने को बहुत कर रहा था, इसे भी साथ ले आया। लाइए सामान, मुझे दीजिए। आप लोग यहाँ बैठे, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। देखिए तो सही कौन आया है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ और पिताजी इस तरह अचानक चले आएंगे। चलिए उनसे मिल लीजिए ना। एक बार रस्मि तौर पर मिल लीजिए। वो लोग तो अंदर आ ही गए हैं, अब क्या जबरदस्ती जाके उनका स्वागत करूं? तुम जाओ चाय पिलाओ, ऑफिस जाते समय मिल लूंगा। आज आप ऑफिस जा रहे हैं, एक दिन की छुट्टी ले लीजिए ना, पिताजी को सेक्रेटेरिएट जाना है। तुमने मुझे क्या बेकार आदमी समझ रखा है? और कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास? बेटी देने के बहाने बोरिया बिस्तर बगल में दबा के आज धमके कहेंगे यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, जान लेके रहेंगे मेरी ये। चिल्लाइए मत, वो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनाने के लिए ही चिल्ला रहा हूँ, ताकि मेरी बात उनकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। वो तैयार होकर आ रहे हैं। घर में सब खैरियत से है ना? भाभी भैया कैसे हैं? गीता को कॉलेज में एडमिशन मिल गया कि नहीं? और अपनी गुड्डू इस साल पास हुई कि नहीं? माँ, मुझे दिन में कई बार आप लोगों की याद आती है, और एक तुम हो कि भूले से मुझे याद भी नहीं किया। हाँ, पिताजी मुझे जरूर याद करते होंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे इनकी झिड़कियाँ सुनने वाला कोई नहीं है, है ना पिताजी? अच्छा ये बता बेटे, तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ पिताजी, बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तू रहने दे बेटी, मैं बनाती हूँ चाय। हरगिज नहीं, जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे मैं आपको किचन में आने की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा। मैं खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाऊंगी आप लोगों के लिए। कैसे हो विजय बेटे? ठीक हूँ। हाँ, देखिए मैं जल्दी में हूँ, और हाँ ऑफिस लौटते वक्त देर हो जाएगी। नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं, मेहमानों को खिलाओ। सबके लिए बनाया है। कहाँ नहीं करना है,
ये कह रही थी आपको सेक्रेटेरिएट जाना तो। नहीं बेटे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है। आज सवेरे से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, वरना मेरे साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, मेरी कोई बात नहीं टालते, हर फरमाइश पूरी करते हैं। माँ तुम्हारी ये बेटी इस घर में राज कर रही है। माँ मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मगर बिस्तर अलग अलग क्यों है? पति पत्नी की आपस में रंजिश होती है, तकरार होती है, ये छोटी बातें हैं, ये हर घर में होता है बेटी। लेकिन बिस्तर अलग होना ये छोटी बात नहीं है। तुम लोगों के आपस में क्या गलत फहमियां हैं ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन बेटी इतना जरूर कहूंगी, समझौता करने में पत्नी को पहल करनी चाहिए। लक्ष्मी आंसू पूछो बेटी, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, पूछो। लक्ष्मी काम हो गया? हाँ हो गया, ये लो। ये क्या है? ट्रेन की टिकटें, आज शाम को वापस जाना है। क्या आज शाम को? हाँ बेटे,